सदियों से चला आ रहा बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य सुलझ गया है, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि यह दावा किया है एक साइंस चैनल व्हाट ऑन अर्थ की रिपोर्ट में। चैनल की रिपोर्ट में बताया गया है कि एक अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते ही हवाई जहाज और पानी के जहाजों के गायब होने की घटनाएं बरमूडा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती है। इस रहस्य को विस्तार से जानने के लिए आइए देखते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट में इन बादलों को हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के जितनी शक्ति रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाएं होती हैं। यह बादल और हवाएं मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाजों से टकराते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला यह इलाका पिछले कई 100 सालों से अपने रहस्यमयी खूनी खेल के लिए बदनाम रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार बेहद तेज रफ्तार से बहती हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती हैं, जो एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराते हैं और सुनामी से भी ऊंची लहरें पैदा करते हैं। बादल और पानी आपस में टकराकर ज्यादा खतरनाक ऊर्जा पैदा करती हैं। इस दौरान यह विस्फोट अपने आसपास मौजूद सभी चीजों को लील जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह बादल बरमूडा आइलैंड के दक्षिण छोर पर पैदा होते हैं और फिर करीब 20 से 55 मील का सफर तय करते हैं। आपको बता दें कि बरमूडा उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। यह करीब 4,40,000 वर्ग मील तक समुद्री क्षेत्र में फैला हुआ है। यह त्रिकोण निश्चित रूप से एक ही जगह पर स्थिर नहीं है, इसका प्रभाव त्रिकोण क्षेत्र के बाहर भी महसूस किया जाता है। कहा जाता है कि बीते 100 सालों में यहाँ हजारों लोगों की जान गई है। एक आंकड़े के अनुसार यहाँ हर वर्ष औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। सबसे पहले 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बमवर्षक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों में मौजूद लोग भी कभी वापस नहीं लौट पाए। उनके बचाव कार्य में गए 3 विमानों का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने की वजह से जहाजों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले अमेरिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक क्रिस्टोफर कोलम्बस थे। कोलंबस ने एक पत्रिका में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र किया था, जिसके बाद से यहाँ जहाजों के गायब होने की कई घटनाएं हुई और लोगों का विश्वास बन गया कि यहाँ कोई शैतानी शक्ति काम करती है। फिलहाल कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टीव मिलर ने भी इस पहेली के सुलझने के दावों का समर्थन किया है। इन वैज्ञानिकों का भी मानना है कि बादल और हवा मिलकर यहाँ कुछ खतरनाक स्थिति पैदा करते हैं, जिन्हें ट्रैक कर पाना भी बेहद मुश्किल है। देखते रहिए टीवी लाइव।